नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब बहुत खुश होंगे, और क्योंकि नवरात्रे भी आने वाले हैं तो एडवांस में ही आप सबको नवरात्रों की भी बधाई दे रहा हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं जा रहा हूँ आपको दिखाने एक इंसान और एक सारस पक्षी की स्टोरी को। इस स्टोरी को कवर करने के लिए मुझे जाना होगा गौरीगंज अमेठी, तो वीडियो में आप मेरे साथ बने रहना। वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक ज़रूर करना। जिस ट्रेन से मैं अमेठी गौरीगंज के लिए जा रहा हूँ उसका नाम है पद्मावत एक्सप्रेस, और ये पुरानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन से चलेगी प्लेटफॉर्म नंबर 6 से, और इसका टाइम है 7:50 का, और सुबह ये अमेठी पहुँच जाएगी यही करीब 7:15 तक। तो मेरा करीब 12 घंटे का इसमें सफ़र होने वाला है। YouTube चैनल पर ये सारस और पक्षी की स्टोरी इतना ट्रेंड कर रही है कि मुझसे भी रुका नहीं गया, तो मैं भी इसको जाकर के वहीं कवर करूँगा। और इसकी इंटरेस्टिंग पार्ट ये हैगा कि ये एक साल से इसके पास हैगा, और इसको देखने के लिए अखिलेश यादव जी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं, वो भी इनको मिलने के लिए गए थे। पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन आ चुकी है और इसी से मुझे भी अपना सफ़र शुरू करना है गौरीगंज अमेठी तक के लिए। तो दोस्तों, सफ़र की अब मैं शुरुआत करूंगा अपनी ट्रेन से। सीट मुझे भी मिल चुकी है, मिलते हैं फिर आगे आपको। गौरीगंज से मंडखा गांव तक जाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जो मैं स्टोरी कवर करने जा रहा हूं वो आरिफ और सारस के बारे में है, और उसका घर मंडखा नाम के गांव में है गौरीगंज उतरने के बाद मुझे पता चला है। पीछे ट्रैफिक का क्या हाल है देख सकते हो आप, बहुत कम गाड़ियां हैं। तो देखता हूँ किसी से लिफ्ट वगैरह मिल गई तो लिफ्ट लूँगा, नहीं तो पैदल तो जाना ही पड़ेगा। अब यहाँ तक आ गया हूँ तो इसके गांव भी पहुंचूंगा आरिफ भाई के, तभी आगे कुछ वीडियो शूट हो पाएगी। सामने करीब 150-200 मीटर दूरी पे आरिफ का घर है, लेफ्ट हैंड साइड पे इस तरफ। बाकी भाई कन्वेंस की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, कोई इस पे शेयरिंग टैक्सी या प्राइवेट ऑटो वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। और आसपास ऐसे खेतों में खूब हरियाली है, फसल तैयार हो रही है चारों तरफ आप देख सकते हो, और पीछे भी सड़क बिल्कुल सुनसान है, पब्लिक नहीं है। आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार, दिल्ली से चल के आप आए इतनी दूर, इसलिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपना कीमती समय दिया है, आपसे मिलकर मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो आरिफ जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी और सारस की कहानी कैसे और कब शुरू हुई, थोड़ा डिटेल में ना जा करके कम में बता दीजिए तो भी चल जाएगा। ये हमको लगभग आज से 1 साल पहले खेत में मिला था, इसका पैर टूटा हुआ था, वही इलाज किए घर में ला के, देसी तरीके जो हो सकता है घर में वही देसी तरीके से इलाज किए। उसके बाद हमको नहीं पता था कि मेरे साथ रहने लगेगा या मेरे साथ उड़ने लगेगा या मेरे साथ खाने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं। हम चाहते भी थे अपने जंगल में चले जाए अपने परिवार के साथ, पर ये गया नहीं, मेरे साथ रहने लगा। अच्छा आरिफ जी, मैं भी जब आपके घर पहुंचा आधा घंटा पहले तो मैंने भी देखा आपका ये सारस खुलेआम घूम रहा था, कोई इस पे बंदिश नहीं थी, और ये पक्षी जो यहाँ पे मुर्गियाँ वगैरह हैं और रॉटवीलर भी मैंने देखा, उनके साथ भी बहुत फ्रीली घूम रहा था, एकदम आज़ाद लगा। तो अगर कोई वन विभाग वाले या पक्षी संरक्षण वाले आकर के आपसे ये सवाल करें तो आपको क्या जवाब उनके लिए होगा? नहीं, जवाब क्या होगा, वो लोग आए हैं, देख लिए हैं, देख के वापस चले गए हैं, क्योंकि अगर बंद करके रखे होते, कहीं बांध के रखे होते तो वन विभाग को कोई इशू होता। अब ये खुला है, जब दिल करता है आता है, जब दिल करता चला जाता है खेतों में, जब दिल करता है वापस आ जाता है, ये अपने मन से आता जाता रहता है, हमने इसे पाला नहीं है, अपने मन से रहता है। हाँ, ये बात तो सही है जी, आपने पाला नहीं, और इसकी सेवा करके जो आपने सराहनीय काम करा वो भी आपके सब तारीफ कर रहे हैं, जो भी सब्सक्राइबर आपको देखते हैं जिस भी चैनल पर या आपके चैनल पर। और मेरे को भी पहले जानकारी नहीं थी कि ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी हैगा, ये मैंने आपका वीडियो देखने के बाद ही जाना है जी कि ये राजकीय पक्षी हैगा, और इस चीज़ की नॉलेज मुझे को भी मिली।
तो बहुत अच्छा लगा कि एक आपने इस पक्षी को घायल अवस्था में अपने घर लाके इसका इलाज करा, एक डॉक्टर के जैसे इसको एक डेढ़ महीने मैंने सुना आपने इसको ट्रीटमेंट दिया, और अब आप इसको करीब एक साल से बराबर इसकी देखभाल कर रहे हैं। जी, एक साल हो गया आपको देखभाल करते हुए, अब तो इतना घुल मिल गया है, मेरे परिवार के सदस्य जैसा हो गया है, जहाँ जाते हैं वहाँ जाता है, बाइक से जाते हैं तो ऊपर ऊपर उठ के जाता है, पैदल जाते हैं तो साथ में घूमा करता है, जब खाना खाते हैं तो एक ही प्लेट में आके खा लेता है, मतलब गाँव गाँव में जहाँ जाते हैं साथ ही साथ रहता है। अच्छा, आपसे मिलने के लिए एक्स CM और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी आए थे यहाँ पे, तो वो आपको क्या सांत्वना या कुछ आगे कुछ बोल के गए? कुछ नहीं, वो आए थे भैया मिल के गए, हमसे मिले, पच्ची से मिले और गांव वालों से मिले, जो बाहर के लोग आए थे उनसे मिले, मिलने के बाद 10-20 मिनट बैठे थे, उसके बाद वापस चले गए। दूसरे कुछ यूट्यूबर आपके वीडियो और सारस का वीडियो बना करके उस पर मोदी जी की या योगी जी की या ऐसे बोलते हैं कि भाई KGF चैप्टर 3 बन रही है, शूटिंग शुरू हो गई है, ऐसा कहना उन यूट्यूबर्स के लिए सही है? कोई सख्त संदेश उनके लिए आप देना चाहोगे? नहीं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। KGF चैप्टर 3 तो नहीं बन रही है, और जो लोग थोड़े से व्यू जो TRP के चक्कर में फर्जी मतलब थंबनेल बनाते हैं उन लोगों को इस बेजुबान पक्षी के साथ ऐसा काम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, मैं भी आपकी इस बात से सहमत हूँ। और आरिफ जी, कुछ और विशेष आप कुछ जानकारी वैसे अपनी तरफ से देना चाहें? वैसे क्या, गांव में रहता हूँ, ये खेती बाड़ी करता हूँ और कोई काम नहीं है मेरे पास, बस गांव में रहता हूँ, इसी के साथ रहता हूँ। मैंने सुना आप प्रधान हैं? नहीं, प्रधान थे मेरे पापा जो है, अब नहीं है प्रेजेंट टाइम में। अच्छा, आपके पापा जी प्रधान थे? 30 साल थे। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे आप? और यही कहना चाहेंगे, कितने लोग इस न्यूज को देख रहे हैं चैनल पे आपके, और मेरा एक यूट्यूब का चैनल है आरिफ गुजर सारस का दोस्त नाम से, वहाँ इसकी डेली की वीडियो अपलोड करते हैं। मेरा एक इंस्टाग्राम का भी आईडी है आरिफ गुजर नाम से, वहाँ भी जाके विजिट कर सकते हैं, डेली का अपडेट उसको अपलोड करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है जी ये सब। बाकी आपके घर पर मैं आया और आपने मेरे को थोड़ा सा अपना टाइम दिया, और अभी आरिफ जी यहाँ से किसी ज़रूरी काम से जा रहे हैं, तो फिर भी इन्होंने, भाई साहब ने रुक के मेरे को 10-5 मिनट का टाइम दिया, मैं भी इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, आप इतनी दूर चल के हैं, आपको मैं शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, धन्यवाद जी। अच्छा आरिफ जी, एक चीज़ और आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि लोग इसके बारे में ये जानकारी जानना चाहते हैं कि भाई ये मेल है या फीमेल है, तो क्या आपको पता चल पाया इसका? ये हमको नहीं पता, मेल है फीमेल। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है आरिफ जी, थैंक यू। आरिफ भाई के घर पर ये सारस इस तरह पूरी आज़ादी के साथ घूमता रहता है और काफ़ी खुश रहता है, इसको अपने सगे संबंधियों की, जो इसका अपना खुद का पक्षी परिवार है, उसकी भी कोई ज़्यादा कमी महसूस नहीं होती। इंसानों के बीच में रह करके ये अपने आप को काफ़ी सुखी और खुश से महसूस करता है, तभी इसका यहाँ इतना दिल लगा हुआ है, और ये यहाँ पे पूरा शांतिपूर्वक आरिफ के परिवार के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। और इसकी एक्टिविटी को आप यहाँ देख सकते हो, एकदम स्वस्थ है, सुंदर है देखने में, और बहुत अच्छे से घूम फिर रहा है आरिफ के घर के अंदर, पूरी आज़ादी से घूम रहा है। ये है दोस्तों आरिफ भाई का घर, जिसमें इनकी एक फसल काटने वाली ये सामने मशीन भी खड़ी हुई दिखाई दे रही हैगी, और ये इनका काफ़ी बड़े ग्राउंड में 2 मंजिला घर बना हुआ हैगा। भैंस, बकरी, मुर्गियां आदि भी इन्होंने पाल रखी है। एक इनके पास अपनी ये कार भी है, और बाकी इनकी यहाँ आसपास अपनी खेती लायक ज़मीन है, जिस पर ये खुद खेती करते हैं अपने पिताजी के साथ में। आरिफ के गांव में आकर के अब मुझे भी पता चल रहा है कि गांव की ज़िंदगी किस तरह की होती है यार, काफ़ी कष्ट भरी भी होती है। अब जैसे कि मुझे ही कन्विंस नहीं मिल रही बाहर रेलवे स्टेशन जाने के लिए, और पीछे से भी कोई 2-व्हीलर वाला या 4-व्हीलर वाला नहीं आ रहा जो मुझे कोई लिफ्ट दे दे, या मैं उससे लिफ्ट मांग कर अपनी मंजिल तक आगे पहुंच पाऊं। पर एक बात का तो मेरे को संतोष हैगा कि चलो मैं यहां तक पहुंच गया जैसे तैसे करके, और आरिफ का मैंने इंटरव्यू भी थोड़ा बहुत ले ही लिया। बाकी किसी को भी आरिफ के गाँव तक आना हो इसके सारस के साथ वीडियो बनाने के लिए, तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा और आपको एक अलर्ट भी करूंगा कि यहाँ तक पहुंचना काफ़ी टफ़ है, बहुत रिमोट एरिया में आरिफ का गांव हैगा, कन्वेंस आने और जाने के लिए नहीं मिलती,
बाई चांस मिल जाए तो बात अलग है, या कोई लिफ्ट दे दे तो भी है, लेकिन नज़ारा कुछ ऐसा ही हैगा। ये देखो पीछे भी दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा, और ये खेतों में फसल उगी हुई है, और सामने भी दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा। बाकी अगर आप यहाँ तक पहुँचना चाहते हो तो सबसे पहले आप अमेठी आ जाओ या गौरीगंज रेलवे स्टेशन आ जाओ, वहाँ से फिर नहर तक आओ, और नहर से फिर इधर अंदर इनके गांव मंडखा में आना होगा।